जेंटलमैन, आज अभी हम सेकंड थर्ड मीटिंग के बाद इट वाज प्रोडक्टिव. वी हैड एन एग्रीमेंट ऑन मेनी थिंग्स. दो या तीन पॉइंट आउटस्टैंडिंग रह गए, बाकी तकरीबन सारा एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया. तो ये एक अच्छी खबर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करके प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव के तहत वी आर इंचिंग क्लोज़र टू ओपनिंग ऑफ द करतारपुर साहिब कॉरिडोर बाय नवंबर, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले साल वहीं पर अनाउंस किया था और सबसिक्वेंटली भी उसका जिक्र किया था. इंडियन साइड पर SCL दास साहब, जॉइंट सेक्रेटरी होम अफेयर्स, ने डेलीगेशन लीड किया जैसे पिछली दफ़ा किया था. टेक्निकल लेवल जो मामलात हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें और मीटिंग की अभी कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही. हमने उन्हें इनवाइट किया है कि आखिरी मीटिंग के लिए नेक्स्ट टाइम वो यहाँ आ जाएं और जितना जल्दी हो सकता है वो मीटिंग करके जो आखिरी दो तीन स्टिकिंग पॉइंट्स हैं उस पर एग्री कर लिया जाए और इसको मुकम्मल कर दिया जाए. डोज़ियर उन्होंने हमारे हवाले किया था पिछली दफ़ा, उसका एक जवाबी डोज़ियर हम उनके हवाले कर आए हैं, वो उसको देख लें, पढ़ लें और उसका जवाब अगर चाहेंगे तो फिर वो हमें दे सकते हैं. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. डोज़िया की तफसील मैं नहीं बताऊंगा जी, लेकिन बात तो हुई. मैंने ये नहीं कहा बात नहीं हुई. 5,000 वाले पे हमने एग्री कर लिया है कि 5,000 तो आएंगे और इससे ज़्यादा जो कैपेसिटी मुमकिन हो पाकिस्तान उसके लिए विलिंग है, जितना ऊपर जा सके कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारी साइड से भी यात्रियों ने, पिलग्रिम्स ने आना है जो सिख या बाबा नाम लेवक हमारी तरफ से हैं और बैरून मुल्क से आते हैं, तो एक टोटल नंबर एक कैलकुलेट होना है. तो 5,000 से जितना ऊपर आ सकें इस पर एग्रीमेंट है जी हमारी तरफ से. हम अभी भी इस पर तय कर आए हैं, इस पर से ब्रैकेट्स हटा आए हैं कि जी जितने कैपेसिटी प्रोवाइड करेगी 5,000 से ऊपर हम उसको वेलकम करेंगे. जनाब जी अपने काम के इंडियन ज़िम्मेदार हैं जो उन्होंने करना है. हम खोल देंगे जी 550वीं पे नवंबर में, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, और हमारी तकरीबन तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं. बल्कि हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह इसी माह में मीडिया का एक विज़िट वहाँ पे करवा देंगे ताकि आप ख़ुद देख लें कि रादारी के मामले में सड़क और जो एंट्री पॉइंट्स बनने हैं और जो बसें जहाँ चलनी हैं और कैसे वो सारा मामला होना है. ये हम इस प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को ले चलेंगे इसी माह में. जनाब मुझे उम्मीद है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे. थोड़ा सा इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है. हम एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले चुके हैं, अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव ले चुके हैं. माइनॉरिटीज़ के साथ इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट की ये रिफ्लेक्शन है. हम उस पर आगे चल रहे हैं. हम वी आर वेरी होपफुल के जी थोड़ी सी वहाँ से पोलिटिकल फ्लेक्सीबिलिटी आएगी तो काम हो जाएगा जी. जनाब बाई रोड आएंगे जी, गेट ब्रिज बन गया है जी, ब्रिज बन गया है, गेट से आएंगे, रिसीव किया जाएगा और वहाँ पे एक बाकायदा रिसेप्शन पॉइंट है. वहाँ बहुत सारी FIA की पोजीशंस होंगी इमिग्रेशन की, ऑल दो वीज़ा तो नहीं है मगर यह है कि उन लोगों को कार्ड इशू किए जाएंगे जो आएंगे. इस पर भी एग्रीमेंट हो गया है, उनको शनाख्ती कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे और वो आगे आ जाएंगे, उसी दिन वापस चले जाएंगे इस पर. हाँ जी, किस किस्म की टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो मीटिंग का जो माहौल था वो कैसा रहा?
मीटिंग का माहौल अच्छा था जी, पॉजिटिव था डिस्पाइट दी टेंशन जो एग्जिस्ट कर रही हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जो मामलात हैं उसके साथ। लेकिन ये करतारपुर से फोकस्ड मीटिंग थी, उसी पर रही जनाब। जनाब ट्रेन सर्विस का इससे क्या ताल्लुक है जनाब? आगे चलें। नहीं वहाँ नहीं लगाया जी, बस ये सवाल हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।